नमस्कार, आप देख रहे हैं डब्ल्यू एन के चैनल। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ ही आप देख रहे हैं सियासी महासंग्राम 2022, जहां एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू से हरीश रावत मिले हैं, जिसके बाद पंजाब की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। पीएम मोदी ने सूरत में किया हॉस्टल का उद्घाटन, बोले हम फिर सबसे तेज अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। अमित शाह का उत्तराखंड का दौरा टला, अब 29 और 30 अक्टूबर को जाएंगे। हरीश रावत से मिले नवजोत सिंह सिद्धू का, पार्टी पर पूरा भरोसा, जो फैसला लिया जाएगा मंजूर होगा। सिद्धू के इस्तीफे पर सस्पेंस बरकरार, कल वेणुगोपाल और हरीश रावत के साथ की बैठक। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बने रहेंगे नवजोत सिंह सिद्धू, हरीश रावत बोले आज होगी औपचारिक घोषणा। हरीश रावत ने छोड़ा स्टिंग का सिगुफा, कहा हो जाए एक बार भाजपा का स्टिंग और बनाम मेरा स्टिंग। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरत सिंह रावत बोले मैं दो सीट पर हारता तो कभी चुनाव नहीं लड़ता। बीजेपी ने अखिलेश पर फिर किया हमला, कहा आजमगढ़ से गुमशुदा सांसद की तलाश। बीजेपी से गठबंधन करेंगे ओम प्रकाश राजभर, राजभर ने बीजेपी के सामने रखी लंबी चौड़ी डिमांड। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का विपक्ष पर वार, कहा पिछली सरकारों में आतंकवाद का बम फटता था। गोरखनाथ मंदिर से निकली गोरखपीठ की विजय शोभा यात्रा, सीएम योगी ने की अगुवाई। मायावती की अपील, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से जनता को राहत है मोदी सरकार। ऐसी बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए डब्ल्यू एन के साथ। प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिए।